बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आरके नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों मैं आपको जो इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों का रिव्यू किया गया है मेरे द्वारा, इन पुस्तकों के बाद आपको एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी देता हूं, यह है आधुनिक विश्व का इतिहास टेस्ट सीरीज। बताने से पहले मैंने अब तक कौन कौन सी पुस्तक का रिव्यू किया है वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले साथियों आधुनिक विश्व का इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू किया जा चुका है, आप देख सकते हो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर। यह इतिहास नेट जेआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण गाइड है। उसके बाद में साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप में से ल्यूसेंट कौन पढ़ता है या फिर ल्यूसेंट किस किस के पास है। इतिहास महेश कुमार बर्नवाल की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इसका रिव्यू किया जा चुका है। विश्व का इतिहास महेश कुमार बर्नवाल, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है। किरण पब्लिकेशन के भारतीय इतिहास, इसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कला एवं संस्कृति, ये जो दृष्टि आईएएस की महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका रिव्यू मिलेगा साथियों आपको। और दृष्टि आईएएस की भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति एमसीक्यूज है 2300+ इस पुस्तक में दिए गए हैं। आईएएस टॉपर्स नोट्स, जिसके अंदर साथियों प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, इन टॉपर्स नोट्स के अंदर अच्छे से समझाया गया है। राजस्थान स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हो आप आरएस का, तो उसके लिए भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी इन टॉपर्स नोट्स में समझाया गया है। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित ये जो टॉपर्स नोट्स है इसमें दिया गया है साथियों। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी इसमें दिया गया है। इतिहास की और कौन कौन सी पुस्तक को रिव्यू हमने किया अब तक, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसका रिव्यू किया जा चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इस पुस्तक का रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। विपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है। राजस्थान का अगर एग्जाम देते हो, राजस्थान में इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर हुकुमचंद जैन की, इसका रिव्यू किया जा चुका है। और राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की, ये एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। उसके बाद में साथियों मैंने आपको एनसीईआरटी कक्षा 9 से लेकर 12 तक, ये जो एनसीईआरटी पुस्तक आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये ओल्ड एनसीईआरटी पुस्तकें हैं, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है कि कौन सी पुस्तक में कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके अंदर साथियों विवा की, ये जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है जनरल नॉलेज की, इसके अंदर भी इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आप प्ले लिस्ट से ज़रूर देखेंगे। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो जिस प्रकार मैप का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, एटलस का इस्तेमाल आप कर सकते हो पढ़ने के लिए। अपना स्टडी रूम है वहाँ पर इस प्रकार से मैप लगा करके आपको ज्योग्राफी को समझना है अच्छे से। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको मैं टाइम मैनेजमेंट से संबंधित बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स है जो कि हमारे पास में आधुनिक भारत का इतिहास है उसके भी नोट्स है, और प्राचीन भारत का इतिहास है इसका भी नोट्स मिलेगा आपको, और ये है विश्व का इतिहास जो कि साथियों ये नोट्स है, इनके बारे में भी आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर विजन आईएएस के जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों महत्वपूर्ण है साथियों, जब तक आप जितनी भी पुस्तक मैंने आपको दिखाई है इन सब पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो या फिर अपना खुद का मूल्यांकन नहीं करते हो तब तक आपको पता ही नहीं रहता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इसलिए साथियों ये विजन आईएएस के जो नोट्स है टेस्ट सीरीज है इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर इसको फॉलो नहीं करना चाहते आप तो उसके लिए आप सबसे पहले एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए ये दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसके अंदर भी 10,000+ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसमें दिया गया है। 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, इसमें सभी विषय शामिल है जितने आपके जीएस पेपर में पूछा जाता है जनरल स्टडी में। एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों सामान्य अध्ययन पेपर 1, ये है 2021 का लेटेस्ट वर्जन अरियन पब्लिकेशन के मनोहर पांडे के नाम से, काफ़ी बड़ी गाइड है साथियों। इसका रिव्यू भी हमारे चैनल पर किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब साथियों सबसे पहले
जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित यहाँ पर इसमें दिया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ पर बताया गया। साथियों ये भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो। अब साथियों प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिया गया आधुनिक भारत का इतिहास है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति ये पूरे जो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मैंने दिखाई है विजन आईएएस की, इस टेस्ट सीरीज को आप एक बार अच्छे से हल करने के बाद में आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो आपने पढ़ा है उनमें से कितने टॉपिक अच्छे से बैठ गए हैं या अच्छे से समझ लिया है। ये कब संभव होता है? जब हम अपना मूल्यांकन स्वयं का करते हैं। किस माध्यम से? टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो ये तो साथियों इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी साथियों मैप का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सब से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की पुस्तक का रिव्यू चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट को चेक ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात साथियों, अगर हमारा ये छोटा सा जो प्रयास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं हमें जो ऊर्जा मिलती है वो आपके कमेंट्स हैं, और आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो उनके द्वारा जो लाइक किया जाता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए साथियों आप अपने दूसरे भाई बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलने से पहले साथियों आप नए जोश, नए उम्मीद के साथ में लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिविज़न करते रहिए। नोट्स मैंने बार बार बताया, प्रत्येक पुस्तक का 20-25% नोट्स होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो ये इतनी बड़ी पुस्तक है तो इसका लगभग 25% आपके पास में नोट्स के रूप में होना चाहिए, और क्विक रिवीजन तो मुश्किल से 10% होना चाहिए। किताब का 10वां हिस्सा क्विक रिवीजन के लिए आपको की पॉइंट निकालने हैं ताकि एग्जाम से कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले आप क्या कर सकते हो, आराम से उसका पूरे का रिवीजन कर सकते हो। तो ये साथियों एक छोटी सी जानकारी थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।